अरे वाह प्रिया, आज तो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बेटा। क्या बनाया है? हाँ जी मम्मी, आज मैंने पनीर की सब्जी, पुलाव और खीर बनाई है। और जब सब पूड़ी खाएंगे तो मैं पूड़ी बना दूंगी। आज कोई खास बात है क्या? जी वो बस मेरा मन किया तो मैंने बना लिया। अच्छा चलो, अच्छा है, कभी कभी अपनी पसंद का भी बना लेना चाहिए। वैसे तो तू रोज हमारी पसंद का खाना बनाती है। इस घर में किसी को याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। शादी से पहले तो बड़ा रात के 12 बजे आए थे केक काटने के लिए। इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट लाए मेरे लिए। कितनी खुश थी मैं कि चलो माँ के रूप में मुझे सास मिल गई। लेकिन लोग सही कहते हैं, शादी के बाद सब बदल जाता है। किसी को बहू की फिक्र नहीं होती, बस बहू होती है सबकी फिक्र करने के लिए। वाओ भाभी, क्या खाना बनाया आज तो आपने। पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज तो कोई घर में कोई खास बात है। अच्छा दीदी, थैंक यू। मज़ा आ गया सच में। उस दिन तो ये भी इतना बड़ा टेडी बियर लेके आई थी मेरे बर्थडे के लिए। ऐसे लिपटे लिपटे जा रही थी मेरे गले से, भाभी भाभी। उस दिन तो बड़ा कह रही थी, भाभी इस दिन को हम भूल नहीं सकते, इसको हर साल हम ऐसे ही मनाएंगे। और आज देखो, फूटे मुंह से एक बार भी बर्थडे विश नहीं किया। गिफ्ट तो दूर की बात है। सही कहते हैं सब, शादी के बाद सब बदल जाता है। और इन जनाब की तो पूछो मत, माना कि दूसरे शहर गए हैं लेकिन एक बार फोन करके तो बोल ही सकते थे, दिल को सुकून ही मिल जाता। लेकिन यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। मम्मी जी, अब शाम के खाने में क्या बनाऊं? बहू मैं तो खाना खाऊंगी नहीं, मेरा तो शर्मा जी के यहाँ है। काफी टाइम से कह रहे थे खाने के लिए, भाभी जी आ जाओ खाने पर, आ जाओ खाने पर। आज शाम का खाना मेरा तो वही है। दीदी आप बताओ, आप क्या खाओगे? नहीं भाभी, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, मुझे पूजा के बर्थडे में जाना है। आज उसका बर्थडे है ना? सहेली का बर्थडे याद है, भाभी का नहीं। आपने कुछ कहा भाभी? नहीं तो मैं क्या कहूंगी। ठीक है तो फिर अब मैं खाना बना के क्या करूंगी, जो सब्जी बची है उसी से खा लूंगी। प्रिया इधर आ तो बेटा। हाँ जी मम्मी। बेटा वो अलमारी में एक पॉलिथीन रखी है, देना जरा। अच्छा अभी देती हूँ। ये लो मम्मी, खोल इसे जरा। ये पाड़ी से। अच्छा हैप्पी बर्थडे बेटा, ये मेरी वर्ल्ड की बेस्ट बहू के लिए, जिसने एक माँ बनकर मेरी सेहत का ध्यान रखा और एक बेटी बनकर मेरी खुशियों का। थैंक यू सो मच बेटा। पसंद आया? मम्मी जी आपको याद था और मैं आपके बारे में सुबह से कितना गलत गलत सोच रही थी। चलो मम्मी जल्दी। कहाँ मम्मी? अरे आज हम तीनों माँ बेटी रेस्टोरेंट जाएंगे,
पार्टी करने। आखिर मेरी बहू का बर्थडे है, रेनू के भाई ने सारा अरेंजमेंट करवा दिया है। इन्हें भी याद था? तो भाभी कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। चल अब जल्दी से आंसू पहुंच और तैयार हो जा, देर हो रही है। हाय फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका बर्थडे हो और पूरे दिन किसी ने विश ना किया हो और फिर अचानक रात को आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला हो? अपना ये अनुभव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।